आज की रात वो रात है जिसके लिए हम दसों साल से ख्वाब देख रहे हैं। जो ऐसा भी दिन आए जिस दिन हमारा ख्वाब पूरा ना हो, पूरा होने के रास्ते पे चल तो जाए। हम हसरुल भाई ने जैसे बताया कि 10 साल पहले हम घरों में बच्चे मांगने जाते थे और वो दरवाजा बंद कर लेते थे, पर आज एडमिशन के टाइम पे 25,000-22,000 बच्चे तक रिकॉर्ड में आते हैं और उसमें 1-2 हजार हम लेते हैं। ये छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। इस चीज के लिए मैं सबसे पहले आप सब टीचरों को, एक एक टीचर को मैं जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। अगर आप लोगों का ये एफर्ट इस तरीके से नहीं होता तो शायद ये नाम अजमल का सुपर 40 के नाम से हो या किसी भी नाम से, पूरे मुल्क में नहीं। अभी मैं अमेरिका जाके आया हूँ, यूरोप लंदन में गया था, इस्तांबुल गया था, वहां भी सुपर 40 का और अजमल फाउंडेशन का नाम पहुंच चुका है। लोगों ने मुझे बहुत सी जगह आके मिले कि आप वही सुपर 40 वाले अजमल साहब, मीडिया का जमाना है। आज का दिन आप लोगों का है। सिर्फ हमारा इतना ही कहना है कि आप इन बच्चों को मशीन मत बनाइए, इन बच्चों को मशीन मत बनाइए। दिल है तो ये कमबख्त धड़कता कहीं क्यों है? अगर ये दिल है इसको धड़कना चाहिए, गम में खुशी में कोई चीज अच्छी लगे तो दिल को हंसना चाहिए, बुरी लगे तो उससे नफरत करना चाहिए। पत्थर की तरह बेहिस्सों बेजान सत्व है, ये पत्थर नहीं है, दिल है। आज हम लोग एडुकेशन को चांद पे ले गए, बहुत अच्छी बात है। हम अपने इस प्रोग्राम से मुबारकबाद देते हैं इस मुल्क के साइंटिस्टों को, इसरो के साइंटिस्टों को, चांद से आगे बढ़ के वो सूरज पे भी जाना चाहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आइंदा दिनों में, आज से 25 साल पहले जब आर्मस्ट्रांग गया था तो उस वक्त एक कंपटीशन शुरू हुआ, हमने सराहा, पूरी दुनिया ने सराहा, लेकिन मेरा इसी दुनिया से, इन्हीं साइंटिस्टों से पूछना है जो मेरे शेर में मौलाना परवेज साहब ने पढ़ा, हमने इंसान कितने बनाए, क्यों ये हिरोशिमा वाला मामला खत्म नहीं होता, क्यों सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड के लिए लोग सोचने लगे, क्या मकसद क्या है? ये जो एडुकेशन है, अगर ये दुनिया को आबाद करने के लिए है, लोगों को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए है, तो ऐसे एडुकेशन को, ऐसी शिक्षा को हम सलाम करते हैं। लेकिन अगर ये एक एक बम बना के एक एक मुल्क को, एक एक दुनिया को खत्म कर देना चाहते हैं, तो हम ऐसे एडुकेशन से नफरत करते हैं, हेट करते हैं, और अपनी जिंदगी में नहीं अपने बच्चों की जिंदगी में उसको एक सेकंड के लिए भी हम देखना नहीं चाहते। और ये बनाने वाले कौन है? इसके आर्किटेक्ट आप लोग। खुदारा 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 बाई गॉड, कोई मशीन ना बना के दे हमको। हमको ऐसा मशीन नहीं चाहिए जिसमें इंसान को इंसान मारने वाला हो, कत्ल करने वाला हो, लुटेरा बनाया जाए, सारी दुनिया को खत्म करके सिर्फ अपनी राज बनाना चाहते हो। हमको ऐसा एडुकेशन नहीं चाहिए। एडुकेशन वो चाहिए जिससे इंसानियत हो, हमदर्दी हो, एक दूसरे के लिए जान देने का जज्बा हो। और इल्म को, इल्म का मतलब रोशनी है। अरबी में हम लोग का एक मकूला है, इल्म जो है अल्लाह के नूर का एक हिस्सा है, और गुनहगार को यह हिस्सा दिया नहीं जाता। इससे बड़ा गुनाह और पाप क्या होगा कि हम इस जगह में बैठ के पूरी दुनिया को तबाह कर देना चाहते हैं? एक चींटी को भी मारने का हमको हक नहीं है। जिसने पैदा किया है वही उसको मारेगा। उसको पैदा किया है, बेकार नहीं पैदा किया। साफ वो कुरान में कहता है हर चीज को अपने फायदे के लिए। अब वो चींटी का ड्यूटी ऊपर वाले ने क्या बनाया वो आपको नहीं मालूम। ये रात को जो कीड़े घूमते हैं ये भी किसी का खुराक है। ये सांप घूमते हैं, इनके बारे में आप लोग ज्यादा पढ़े हुए हैं, हम लोग बहुत कम पढ़े हुए हैं। हर एक को दूसरे की खिदमत के लिए लगाया। ये जहरीला है इसको खाने के लिए दूसरा रख दिया, ये जहरीला है इससे बड़ा वाला उसको खाने के लिए रख दिया। अगर वो नहीं होंगे खाने के खुराक बीच में, वो आके हम लोगों को काटेंगे, हमारी जिंदगी मुसीबत बना देंगे। ऊपर वाला जानता है जितने मखलूक उसने बनाया, जितनी भी जानता थी। कुछ दिनों पहले मैंने आर्टिकल पढ़ा था, जापान में किसी जगह वोल्केनो आया, वो वोल्केनो के अंदर जब वो वोल्केनो खत्म हो गया और बड़ी तबाही और बर्बादी हुई, साइंटिस्ट लोग जापान में है उनका है, वो लोग रिसर्च में गए कि इस वोल्केनो में क्या है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वो तो लंबी कहानी है, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। उनको वोल्केनो के एकदम नीचे जाके एक हीरे जैसा पत्थर दिखा, चमक रहा, बहुत चमक रहा, और उस पत्थर के अंदर कोई चीज है जो हिल रही है। इनको लगा ये कोई जानदार चीज है। इतने बड़े जड़ के अंदर एक ऐसा कीड़ा है, तो ये वोल्केनो फटने से पहले किसी को मालूम भी नहीं था कहाँ होगा क्या होगा। उन लोगों ने उस पर रिसर्च शुरू किया,
वो ताजुब में थे कि वो कितने हजार साल से वो कीड़ा उसके अंदर दबा हुआ है, लेकिन उसके अंदर हवा भी जाने की जगह नहीं है, उस कीड़े को खाने के लिए कोई वसीला नहीं है। लेकिन कोई भी इंसान या हो या जानवर हो या कुछ भी हो, ऊपर वाले ने पैदा किया है, हम ये जानते हैं कि अल्लाह उसके लिए खुराक का इंतजाम कर दिया है। वो हजारों साल से वो पत्थर एक डायमंड के अंदर फंसा हुआ है या बना हुआ है या बनाया हुआ है, ऊपर वाले के खेल है, वो वहां उसको खाना मिल रहा है, वो जिंदा है। रोजी हम लोगों को जो ऊपर वाले ने लिख दिया है वो हमको जरूर मिलेगा। रोजी के लिए देखिए, मैं टीचरों से यही कहना चाहता हूँ, जहाँ और चीजें है जो कहूंगा अल्लाह कहलवाएगा, पहले इन बच्चों के अंदर हम रोल मॉडल हैं। आप तो पूरी जिंदगी टीचर रह चुके हैं, मैं जब रिटायर्ड हो जाऊंगा, जैसे सर हुए, सर की जिंदगी को मैं कामयाब समझूंगा जब सर आंख बंद करके 10-20 बच्चों का नाम ले, यहाँ इन बच्चों को मैंने पढ़ाया है और आज इस काम में ये लगे हुए। अगर ऐसा है तो सर कामयाब, पढ़ाया तो हजारों को, इन 10-20 का भी नाम अगर नहीं ले सके। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ मिलते हैं और हम उनसे ये सवाल, क्योंकि मेरे दिल में ये बेचैनी है, मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आपने पूरी जिंदगी शिक्षा में गुजार दी, आपके हाथ से कितने बच्चे गड़े, कितने बच्चे इंसान बने, कितनों को आपने इंसानियत की तालीम दी, वो आज क्या कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मालूम। कभी 100 में 100-200 निकल गए, 1-2 आदमी निकलते हैं, हाँ मैंने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा आदमी बनाया और वो आज यहाँ काम कर रहे हैं, इंसानियत का काम, सिर्फ पैसा बनाने वालों की मशीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सब करने के बाद पैसा किस तरीके से कमा सकता है उसको जायज ना जायज देखने की जरूरत नहीं है, पैसा आना चाहिए। और पैसा जो है वो अच्छा पैसा अच्छे लाइन से आता है और बुरा पैसा बुरे लाइन से आता है। हम ये ना समझे मैं तो एक टीचर हूँ, मैं तो जिंदगी भर में अच्छा ही काम कर रहा हूँ या अच्छे काम कर रही हूँ, मैं कैसे बुरा काम कर सकता हूँ? आप बुरा नहीं कर सकते डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट आपसे क्या बुरा हो रहा है या आपकी गफलत की वजह से हो रहा है, आपने अपने उस जगह का इज्जत को मर्यादा को नहीं समझा, आपको उस जगह पे अल्लाह ने बिठाया। आप लोग भी सुन ले, मैं तो सुन ही रहा हूँ, मैंने अपने दिल में बांध दिया कि भाई अब तुम 68 में पहुंच गए हो, 8 साल तो ऊपर चले गए, 11% जिंदा रहता है बाकी सब मर जाते, तो मरने की भी थोड़ी तैयारी करो, इन बच्चों के अंदर वो फिक्र पैदा करो। ठीक है, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, मेरी दुआएं हैं और वक्त को काम में लगाए और यहाँ कोशिश करें भाईचारे की टीचरों में, आज तक मुझे 10 साल में कोई ऐसा कंप्लेन नहीं मिला, आप लोग भाई भाई बहनों की तरह रहते हो, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बच्चे इसको नकल करते हैं, बच्चे देखते हैं, अगर टीचरों के अंदर स्टाफ के अंदर खेली मिले, ये जवान बच्चे हैं, अक्ल वाले, आपके हर चीज को समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, बोलते नहीं है तो नहीं क्या होता, लेकिन समझते हैं। इसलिए हम लोगों को ऊपर वाला अल्लाह ताला समझ की ज्यादा तौफीक दे और उस पे अमल की भी तौफीक दे। जय हिंद।